हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग के वही 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं जा रही हूँ धोने कपड़े। धोने क्या, आधे कपड़े मैंने धो लिए हैं। तब मुझे याद आया कि यार चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। खाना वगैरह बन गया है मेरा, जो भी लंच वगैरह बनाना था बना लिया है। हस्बैंड स्कूल चले गए हैं, तो फिलहाल मेरी छुट्टी है। अभी मुझे आज मेरी लास्ट छुट्टी थी, क्योंकि कई दिन से मेरी छुट्टियां हो रही हैं। घर में फंक्शन था, फिर मायके में भी फंक्शन था, तो इस चक्कर में स्कूल नहीं जा पा रही थी। तो हस्बैंड ने कहा आज जो भी अपना काम निपटाना है निपटा लो, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए, कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो मैं दिल्ली गई थी, वहाँ से लौट के आई तो वो भी कपड़े मेरे नहीं धुल पाए थे सही से। जो भी मेरे कुछ कपड़े नए थे जो नहीं धुल पाए थे, तो वैसे ही ला के मैंने रख दिए थे। और उसके बाद फिर शादी पड़ गई घर में, उसके जस्ट शादी निपटी नहीं की, मायके में भागवत थी, फिर वहाँ जाना पड़ा। तो सब जो भी फंक्शन थे ना, सबके कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा चलिए दिखा, मैं धो लेती हूँ, और मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि मतलब हालत ख़राब हो गई आज मेरे कपड़े धोते धोते। कहने को मशीन है, बट वो भी इजी नहीं है। मशीन भी बंद है मेरी, आधे कपड़ों पे ही लाइट चली गई। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट देखिए। ओ देखिए, उधर से स्टार्ट हुए ये और फिर ये, और ये देखिए वो तब भी भरा हुआ है अभी बाल्टी, ये देखिए। और उसके अलावा अभी मशीन में भी है, और ये भी हैं देखिए। तो फ्रेंड्स, गर्म कपड़े मेरे बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे ना, नहीं धुल पाए थे, तो मैंने कहा चलिए मैं फटाक से नहीं धो लेती हूँ इनको, और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ साथ के साथ। कमरा सेट करने में आपको दिखाऊं, अभी मैं जब से दिल्ली गई थी ना, दिल्ली से वापस आई तो घर में फंक्शन था, वहाँ घर का फंक्शन ख़त्म हुआ तो मायके में भागवत बैठ गई थी। तो तब से मुझे अभी तक बिल्कुल भी मौका नहीं मिला फ्रेंड्स कि मैं अपना कमरा सेट कर सकूं। और मैं अपने ट्रंक का हाल दिखा दूँ, देखिए जल्दबाजी में जो कपड़ा जहाँ जैसे मिला, ट्रंक मेरा बिखरा हुआ है और कमरा मेरा पूरा बिखरा अस्त व्यस्त हो रहा। देखिए बेड पर ये देखिए कपड़े, देखिए उधर तह लगा के, कल ना मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, बहुत सारे फ्रेंड्स। और वो देखिए अलमारी पूरी ऐसे ही भरी हुई, पूरा कमरा देखिए आप लोग कैसे हो रहा है मेरा। तो फिलहाल आज जा रही हूँ अपना कमरा सेट करने, तो सबसे पहले करने जा रही हूँ अपना ट्रंक सेट। तो सारे कपड़े पहले निकाल कर उनको अच्छे से तह लगाऊंगी, गर्म कपड़े एक साइड और जो सर्दियों के कपड़े हैं उनको एक तरफ रखूंगी उन्हीं कपड़े, और जो गर्मियों वाले कपड़े हैं उनको एक तरफ रखूंगी, जिससे कि मुझे निकालने में इजी रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट मैं पहले कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, आज ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखोगे कि कैसे मैं अपना जो ट्रंक है वो सेट कर रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। चार पाँच इसीलिए तो 4-5 है नहीं, इसीलिए तो एक ही लिया मैंने। देखो ये एक कपड़ा 2 दिन पहनेगा तो बताओ, छोटे बच्चों की तरह गंदा कर देता है, और मेरी हालत हो जाती है खराब धोने में है। बनियान खोके बैठा है अपनी, पता नहीं है कुछ, इसके कच्चे बनियान चोरी हो जाते हैं, इसको नहीं पता चलता। देखो इस बॉडी बिल्डर को, बॉडी ट्रंक में मत झांक, ट्रंक में नहीं है कुछ। अच्छा बच्चों की पता नहीं क्या आदत होती है ना, बचपन में हम लोग भी थे, जब भी मम्मी ट्रंक खोलती थी ना, हम लोग ट्रंक के सामने आके खड़े हो जाते थे, ऐसे लगता था जैसे कोई कुबेर का खजाना खुल गया होगा। चलो देखते हैं क्या है, मम्मी ने क्या रखा है ना। सामान के दहारा हो तो आका हम 100-100 रुपया देते हैं। अरे तेरा जो बता दो के दहारा होगा तब बोलते रहते, तेरे बड़े पापा यही कहते थे जब बाबू उनको मना कर, कहते जोने दिन हमारे मरे के दहारे हुए
और जो कहिए कि हमका पापा हमका पैसा चाहिए तो हम पर ले लियो बेटा बेटा वाला ही जाओ लियो बेटा वाला ही जाओ हम दे आप देख रहे कितना दे रहे हैं पूछो नहीं भाई तो देते हैं हमें अब भाई एक सामान मंगाओ तो 10 रुपया 5 रुपया पक्का है जाओ लो 10 रुपया 5 रुपया दे रहे हैं हाँ, अब यहाँ रहे तुम्हें मिल जा रहा है नहीं हो रुपया भी नहीं मिलता हो जाते रहे तो तमाकू लाओ कहीं तमाकू ले आओ 10 रुपया जाओ खा लियो हमें दिए थी तो बिगाड़ रहे हैं तुमको तुम्हारा भला नहीं कर रहे हैं वो स्कूल जात के अगर बेटा आएंगे 10 रुपया दिए ये बनिया नहीं है तुझे बनिया नहीं मिली खोलो देखिए हमारे यहाँ जो भी है तुझे मिली हमारे है ये आए कहीं तो हमारा खुद ही हुआ है ये इतनी बड़ी बड़ी तेरी है ये पापा की है हमारी आए अमूल के 85 नंबर पापा नहीं अमूल नहीं है अमूल कंफी आए हमार इतने ढूंढ रहा था बनियान नहीं मिली तब से मुझे पता था तो ये देखिए फ्रेंड्स क्या हाल हुआ है मेरे ट्रंक का मैं बिल्कुल जगह जगह से इसमें जंग लग गए हैं और छेद हो गया है ट्रंकों में और यहीं से ना चूहे घुस जाते हैं तो ट्रंक काफ़ी पुराना है दरअसल ये मुझे मेरी शादी में मिला था तो और सीलन भी काफ़ी ज़्यादा तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी ट्रंक मेरा पूरा खाली हो गया है और आज चूहों ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ ट्रंक मेरा काफ़ी पुराना हो गया शादी का ट्रंक है ना ये तो और नीचे से ना इसमें जंग लग गया था पेंट कर दिया था उसके बावजूद भी ना वो नीचे से जंग लगने की वजह से कमज़ोर हो गया था और वो होल हो गया उस चूहों ने उस होल का फ़ायदा उठाया और उस नीचे से वो एंटर कर गया ट्रंक के अंदर और बहुत सारे कपड़े काट दिए मेरा ओवरकोट था उसे काट दिया है पूरा और पहनने लायक नहीं छोड़ा उसे बिल्कुल ही मैं आपको दिखाती हूँ दिखाना उसके कहाँ है और देखिए कैसा ढेर लगा दिया मैंने निकल के और अभी हस्बैंड से मैंने बात की है मैंने कहा देखो ऐसा कर दिया है चूहों ने मैं तो नहीं रखूँगी इस ट्रंक के अंदर अब कुछ भी क्योंकि रखने का कोई मतलब नहीं बनता ना तो एक मिनट मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ दिखा कहाँ कटा दिखा 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 देखिए बिल्कुल फ्रंट पे ये देखिए काट दिया है ये देखिए पूरा ये काट दिया है चूहों ने मुझे बहुत दुख हो रहा है इसे देख कर और एक्चुअली पता नहीं क्या ऐसा था जब से मैं इस कोट को लेकर आई ना बहुत ज़्यादा ठंडी भी उस हिसाब से नहीं पड़ी अभी और जाना भी नहीं पड़ा कहीं इतना कि मैं इसे ज़्यादा यूज कर पाती हूँ ज़्यादा यूज भी नहीं किया देखिए कैसे काट दिया है कितना ज़्यादा देखते हैं इसे कुछ कर सकते हैं तो ठीक होगा तो ठीक है तो नहीं होगा तो इसे ही निकलवा दूँगी या तो क्या करूँगी देखती हूँ फेंक तो नहीं सकती ना और दिखाती हूँ मैं आपको मेरी शादी की साड़ी है वो काट दी है एक जगह दो जगह से कहाँ है ये रही हाँ ये देखो ये है मेरी शादी की साड़ी और इसको भी काट दिया है चूहों ने ये देखिए तो काफ़ी नुकसान कर दिया है फ्रेंड्स और ये मेरी शादी की साड़ी है और देखिए आप लोग बताइएगा मेरी शादी की साड़ी आप लोग को कैसी लगी तो क्योंकि उस टाइम जब मेरी शादी हुई थी ना तब बनारसी साड़ी का बहुत ट्रेंड था उस समय बनारसी ही साड़ियाँ चलती थी और ये मेरी शादी की साड़ी है जो मुझे मेरी मम्मी ने दिलाई थी चोर पकड़ गए तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली चोर पकड़ लिए गए हैं लगता नहीं था कि इतनी आसानी से ये पकड़ लिए जाएंगे बट आज ये दोनों पकड़े गए हैं तो आज इनका आतंक भी ख़त्म कमरे से तो फ्रेंड्स अभी नहा धो लिया है मैंने और
काम भी हो गया है, कपड़े उपड़े धुल गए हैं मेरे, तो मैंने सोचा चलिए मेरा वीडियो जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है उसे कंटिन्यू पूरा करके कंप्लीट कर लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स बाहर मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है और बदली छाई हुई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, पता नहीं कि मौसम कैसे हो रहा है अभी, अजीब सा हो रहा है। तो अभी मैंने लगा दी थी अपने कमरे में चूहेदानी, तो आप लोगों ने देखा होगा दो शिकार उसमें फंस गए हैं अच्छे से और अभी उसको लेकर जाना है बाहर छोड़ना है क्योंकि तो मारूंगी नहीं उनको। बहुत से लोगों ने पहले मुझे कहा कि दवाई रख दो इस इनके लिए, खाकर ये मर जाएंगे नहीं बाहर चले जाएंगे, तो मैंने कहा रे ना ना पाप पाप नहीं करना है बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का भी हक नहीं है हम लोगों को, बिल्कुल नहीं है, उसका उसके लिए है ना ईश्वर बैठा हुआ है। तो फिलहाल फाइनली चोर पकड़े गए हैं और उनको उनकी जगह पे भी छोड़ आया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।